नमस्कार बच्चों, जो भी रिवीजन दिया जा रहा है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आज के रिवीजन में देखिए बच्चों, दशहरा के बारे में लिखना है। दशहरा के बारे में 10 वाक्य लिखो। तो दशहरा के बारे में देखिए, यहाँ पर दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है। दशहरा को सारे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दशहरा को कुछ लोग 10 दिन तक मनाते हैं। यह त्योहार श्री रामचंद्र की लंका पर विजय की याद में मनाते हैं। उत्तर भारत में 10 दिन तक रामलीला खेली जाती है। रामायण के दृश्य लोग बड़ी श्रद्धा और छाव से देखते हैं। रामलीला के अंतिम दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को एक रथ पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आषाढ़ के द्वितीय पक्ष के 10वें दिन दशहरा होता है। दशहरा हमें बताता है कि इस संसार में सदा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। तो ये है दशहरा के बारे में 10 वाक्य लिखना है। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दो। जो वाक्य सही है उसको हाँ बोलकर लिखना है, जो गलत है उसको नहीं बोलकर लिखना है। देखिए, श्री कृष्ण देवराय उत्तर भारत के राजा थे। नहीं, तेनाली राम हसोड़ थे। हाँ, राजा ने तेनाली राम को दंड दिया। नहीं, एक बिल्ली वहाँ आने लगी। हाँ, ताजमहल हमारे देश में है। हाँ, पहले सिक्के सोना, चांदी, तंबा आदि धातुओं से बनते थे। हाँ, ये सही है। 100 पैसों का 1 रुपये होता है। हाँ, जानवरों की बातों को जंबो ने अनसुना कर दिया। हाँ, चूहे और बिल्ली की बैठक हुई। नहीं, हाथी बड़ा घमंडी था। हाँ, खरगोश एक मूर्ख जानवर था। नहीं, पीटर इंग्लैंड का रहने वाला था। नहीं, पीटर बेहोश हो गया। हाँ, ये हाँ या नहीं में उत्तर दो। ये है आज का रिवीजन, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रिवीजन में देखिए उत्तर दो। तो फर्स्ट वाला देखिए, राजा ने तेनाली राम का सम्मान कैसे किया। राजा ने एक कीमती मोतियों के हार से तेनाली राम का सम्मान किया। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण देवराय ने दरबारियों से कौन सा सवाल किया। श्री कृष्ण देवराय ने दरबारियों से नगर के कौवों के बारे में सवाल किया। नेक्स्ट देखिए, बालक चंदा मामा से कैसे मिलना चाहता है। बालक चंदा मामा से गला मिलाकर मिलना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, चंदा मामा कहाँ चमक रहा है। चंदा मामा आसमान पर चमक रहा है। मोटे चूहे ने कौन सी तरकीब बताई। मोटे चूहे ने तरकीब बताई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने पर खतरा टल सकता है। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज में यात्री किस भाग में बैठते हैं। उत्तर है, यात्री इसके मध्य भाग में बैठते हैं। नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज से क्या लाभ है। देखिए, हवाई जहाज से घंटों में सैकड़ों मील की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तुएं, ढाक आदि एक स्थान से दूसरे स्थान को जल्दी भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
युद्ध के समय यह बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, शत्रुओं को मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, घायलों को अस्पताल पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी पाठशाला में कौन कौन से फल वाले वृक्ष है? उत्तर है, मेरी पाठशाला में आम, अमरुद, जामुन आदि फल वाले वृक्ष है। नेक्स्ट, तुम्हारी पाठशाला कहाँ है? मेरी पाठशाला शहर के बाहर है। नेक्स्ट देखिए, भारत के महापुरुषों के नाम लिखो। गांधी, नेहरू, नानक, तुलसी आदि भारत के महापुरुष है। तोते क्या खाते हैं? देखिए उत्तर, अनाज के दाने, फल, पत्तियां, बीज, अमरुद, लाल मिर्च आदि खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सागर की लहरें क्या कहती है? उसका उत्तर है, सागर की लहरें मन में मृदुल उमंग भर लाने को कहती है। तो ये है आज का रिवीजन। उत्तर दो, आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।